विजय राघवगढ़ विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने निरंतर विजय राघवगढ़ विधानसभा के विकास में अपना पिटारा खोलकर लुटाया है। प्रदेश के विधायकों में संजय पाठक को उनकी उदारता के लिए जाना जाता है। अपने क्षेत्र वह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पल भर में करोड़ों खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं करते। संजय सतेंद्र पाठक की उदारता का परिणाम आज संपूर्ण क्षेत्र में नजर आ रहा है। विकास की गंगा बहाने वाले पहले ऐसे विधायक है जो खुद का पैसा लगाकर अपने क्षेत्र को विकसित करते रहते हैं। इसी तारतम्य में विजय राघवगढ़ विधायक ने 18 जुलाई को विकास पर्व के अंतर्गत विजय राघवगढ़ के परसवारा, टीकर, धैव्या, बीजपुर में 2,25,00,000 से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया, जिसमें सड़कें, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल शामिल है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने कहा कि विधानसभा में विकास कार्यों के लिए मैं और मेरी भाजपा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा द्वारा गांव-गांव में संपर्क मार्ग बनाए जा रहे हैं, सामुदायिक भवन, रंगमंच, बारात घर बन रहे हैं और लोगों तक सीधे विकास पहुंच रहा है। आज गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को निशुल्क गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, घर घर पीने के लिए पानी, शिक्षा, चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। केंद्रीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में धन की कमी नहीं है। आज विधानसभा में 3 बाईपास स्वीकृत हुए हैं, अच्छी सड़कें बन रही है। क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए अब कारितलाई में 38 करोड़ का सीएम साइज स्कूल स्वीकृत हो गया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी, जिसका भूमि पूजन जल्द ही किया जाएगा। साथ ही साथ ग्राम चरी प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना से स्कूल भी स्वीकृत हो गया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। आज विजय राघवगढ़ प्रदेश की सबसे अधिक विकास वाली विधानसभा है। मैंने विजय राघवगढ़ के विकास के लिए जितना संभव हुआ कार्य किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के पुनः आशीर्वाद से प्रधान सेवक बनने का चुनाव लड़ूंगा। विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने सभी जगह उपस्थित भारी जन समुदाय से 5 सालों के किए गए विकास कार्यों एवं क्षेत्र की सेवाओं से जनता की संतुष्टि पर सवाल करते हुए आगे पुनः सेवा के लिए चुनाव लड़ने का आशीर्वाद मांगा है, जिस पर उपस्थित भारी जन समुदाय ने हाथ उठाकर अपने समर्थन के साथ साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही श्री पाठक ने बरही के मंडी परिसर में खाद वितरण केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस केंद्र के शुभारंभ होने से किसान आवश्यकता अनुसार खाद ले सकेंगे। इस अवसर पर विजय राघवगढ़ एवं बडवारा जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। उनको हम अलग से देंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना लिया, तो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो गैस की टंकी में 700 रुपए की छूट, अब लाडली बहना को 1,000 रुपए मिल रहा है, अपनी जेब में डाल लो, अभी बढ़ के मिलेगा 1,250, फिर हो जाएगा 1,500, फिर हो जाएगा 1,750, फिर उसके बाद बढ़ेगी किस्त तो हो जाएगा 2,000, फिर हो जाएगा 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750, फिर 3,000, और फिर जीवन भर 3,000 रुपया मिलेगा, कोई में से 700। अभी मैं सरपंच से पूछ रहे हो ना, अम्मा तुम्हारी यहाँ कितनी बहन बेटियां हैं, बहू है? बोले भैया 2 बहू है, 1 बेटी, 1 बहन, 4 तो यही है हमारे घर के अंदर। अब 4 लोग, 4 बहनें इनके घर के अंदर, सरपंच के घर के अंदर, यानी 2 बहू है, 1 बेटी और 1 सरपंच, खुद खुद, और एक एक को मिलेगा कितना, 3,000, तो 4 किया, अब बताना रे गणित गणित वाले बच्चा, 4 किया 12,000 रुपया महीना सिर्फ एक घर में। और कहीं कोई बड़ा परिवार हुआ 8-10 भाई होता ही है यार गांव में, यार कुल के हैं एक एक घर में 7-7, 8-8, तो 8 किया 24,000। अब एक और मेरे पास कहे तो भैया यार तुम्हारा मुख्यमंत्री जो है वो लाडली लक्ष्मी और भांजा और भांजी और बहनी और लाडली बहना हम और बुलाने पूछो नहीं है जीजा हरों बुलाने। मैंने कहा जीजा के लाने भी है, जीजा को तो पहले से मिल रहा है, बोले कैसे मिल रहा है जीजा का,